मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसित नयनाशियं सुरं मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं। प्रेम की सबसे पहली और एकमात्र मुख्य शर्त है स्वसुख वांछा की कल्पना का भी अभाव। एक बड़ी सुंदर निकुंज लीला है। एक सखी ने नखशिक श्रृंगार किया ऐसा कि जो प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को परम सुख देने वाला था उसने दर्पण में देखा और वह चली श्याम सुंदर को दिखाकर उन्हें सुखी करने की मधुर लालसा से। प्रियतम श्याम सुंदर निभृत निकुंज में कोमल कुसुम और किसलय की सुरभित शैया पर शयन कर रहे हैं। अलसाई आंखों में नींद छाई है। बीच बीच में पलक खुलती है पर तुरंत ही बंद हो जाती है। प्रेममयी गोपी आई है अपनी श्रृंगार सुषमा से श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए। उसके मन में स्वसुख की तनिक भी वांछा नहीं है पर श्याम सुंदर सो रहे हैं। वह चाहती है एक बार देख लेते तो उन्हें बड़ा सुख होता। उसके हाथ में कमल था उसके पराग को वह उड़ाने लगी। सोचा कोई पराग कण प्रियतम श्याम सुंदर के नेत्रों में पड़ जाएगा तो कुछ क्षण नेत्र खुले रह जाएंगे। इतने में वे मेरे श्रृंगार को देख लेंगे उन्हें परम सुख होगा। इसी बीच में नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी वहाँ आ पहुंची। उन्होंने प्यारी सखी से पूछा क्या कर रही हो। सखी ने सब बताया। श्री राधा रानी स्वयं स्वभाव से ही श्याम सुंदर का सुख चाहती पर यहाँ सखी की ये चेष्टा उन्हें ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा सखी तुम्हारा मनोभाव बड़ा मधुर है पर श्याम सुंदर को जब तुम सुखी देखोगी तब तुम्हें अपार सुख होगा ना। किंतु श्याम सुंदर के इस सुख से तुमको तभी सुख मिलेगा जब उनकी सुख निद्रा में विघ्न उपस्थित होगा। इस आत्म सुख के लिए उनकी सुख निद्रा में बाधा उपस्थित करना कदापि उचित नहीं। सखी ने केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए श्रृंगार किया था परंतु इसमें भी स्वसुख की क्षिति वासना थी इस बात को वह नहीं समझ पाई थी। प्रेम तत्व का सूक्ष्म दर्शन करने वाली प्रेम स्वरूपा श्री राधिका जी ने इसको समझा और सखी को रोक दिया। सखी प्रेम तत्व का सूक्ष्म परिचय पाकर प्रसन्न हो गई। गोपी चाहती हैं श्याम सुंदर के चरण कमल हमारे हृदय को स्पर्श करें। उन्हें इसमें अपार सुख भी मिलता है और वे ये भी जानती हैं इससे प्रियतम श्याम सुंदर को भी महान सुख होता है। तथापि वे जितनी विरह व्यथा से व्यथित हैं, उससे कहीं अधिक व्यथित इस विचार से हो जाती हैं कि हमारे वक्षोज से प्रीतम के कोमल चरण तल में कहीं आघात न लग जाए। विरास पंचाध्यायी में गोपी गीत में गाती हैं, यत्ते सुजात चरणां गुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनातवी मटसि तद व्यथते न किंस्वित कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषामहम्। तुम्हारे चरण कमल से व्यधि कोमल है। उन्हें हम अपने कठोर उरोजों पर भी बहुत ही डरते डरते धीरे से रखती हैं कि उनमें चोट न लग जाए। उन्हीं कोमल चरणों से तुम रात्रि के समय घोर अरण्य में घूम रहे हो। वहाँ के नुकीले कंकड़ पत्थरों आदि के आघात से क्या उन चरणों में पीड़ा नहीं होती। हमें तो इस विचार मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हमारी चेतना लुप्त हुई जा रही है। प्राण प्रियतम श्याम सुंदर हमारा जीवन तो तुम्हारे लिए ही है। हम तुम्हारी अतः इस प्रेम राज्य में
किसी भी प्रकार से निज सुख की कोई वांछा नहीं होती। इसी से इसमें सर्व त्याग है, त्याग की पराकाष्ठा है। प्रेम शब्द बड़ा मधुर है और प्रेम का यथार्थ स्वरूप भी समस्त मधुरों में परम मधुरतम है, परंतु त्यागमय होने से ये पहले है बड़ा ही कटु, बड़ा ही तीखा। अपने को सर्वथा खो देना है तभी इसकी कटुता और तीक्ष्णता महान सुधा माधुरी में परिणत होती है। गोपी में वस्तुतः निज सुख की कल्पना ही नहीं है, फिर अनुसंधान तो कहाँ से होता। उसके शरीर मन वचन की सारी चेष्टाएं और सारे संकल्प अपने प्राणाराम से श्याम सुंदर के सुख के लिए ही होते हैं, इसलिए उन्हें चेष्टा नहीं करनी पड़ती। पर प्रेम न तो साधन है न अस्वाभाविक चेष्टा है न इसमें कोई परिश्रम है। प्रेमास्पद का सुख ही प्रेमी का स्वभाव है, स्वरूप है। हमारे इस कार्य से प्रेमास्पद सुखी होंगे ये विचार उसे त्याग में प्रवृत्त नहीं करता। सब समर्पित जीवन होने से उसका त्याग सहज होता है। अभिप्राय यह है कि उसमें कृष्ण सुख काम स्वाभाविक है, कर्तव्य बुद्धि से नहीं है। उसका ये कृष्ण सुख काम उसका स्वरूपभूत लक्षण है। प्राण प्रियतम भगवान श्याम सुंदर का सुख ही गोपी का जीवन है। इसे चाहे प्रेम कहें या काम, ये काम परम त्यागमय सहज प्रेष्ठ सुख रूप होने से परम आदरणीय है, मुनि मनोभिलषित है। काम नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरत ऋषभ, भगवान ने धर्म से विरुद्ध काम को अपना स्वरूप बताया है। भगवान ने स्वयं कामना की मैं एक से बहुत हो जाऊं, एको हम बहुस्याम। इसी प्रकार रमण शब्द भी भयानक रही। भगवान ने एक से बहुत होने की कामना क्योंकि इसीलिए कि अकेले में रमण नहीं होता, एकाकी न रमते। यहाँ भी काम और रमण शब्द का अर्थ गंदा कदाचित नहीं, इंद्रिय भोग परक नहीं है। मोक्ष की कामना वाले को मोक्ष कामी कहते हैं, इससे वह कामी थोड़ी हो जाता है। इसी प्रकार गोपियों का काम है एकमात्र श्री कृष्ण सुख काम, और ये काम उनका सहज स्वरूप हो गया है। इसलिए ये प्रश्न ही नहीं आता कि गोपियाँ कहीं ये चाहें कि हमारे इस काम का कभी किसी काल में विनाश हो। ये काम ही उनका गोपी स्वरूप है, इसका नाश चाहने पर तो गोपी गोपी नहीं रह जाती, ये वह अत्यंत नीचे स्तर पर आ जाती है जो कभी संभव नहीं है। गोपी की बुद्धि, उसका मन, उसका चित्त, उसका अहंकार और उसकी सारी इंद्रियां प्रियतम श्याम सुंदर के सुख से सुख के सहज साधन है। न उसमें कर्तव्य निष्ठा है, न अकर्तव्य का बोध, न ज्ञान है न अज्ञान, न वैराग्य है न राग, न कोई कामना है न वासना, बस श्री कृष्ण सुख के साधन बने रहना ही उसका स्वभाव है। यही कारण है कि परम निष्काम, आप्त काम, पूर्ण काम, अकाम, आनंद घन श्री कृष्ण गोपी प्रेमामृत का रसा स्वादन कर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। जो आनंद के नित्य आकर हैं, आनंद के अगाध समुद्र हैं, आनंद स्वरूप हैं, जिनसे सारा आनंद निकलता है, जो आनंद के मूल स्रोत हैं, जिनके आनंद सीकर को लेकर ही जगत में सब प्रकार के आनंदों का उदय होता है, उन भगवान में आनंद की चाह कैसी, उनमें आनंद प्राप्त करने की इच्छा कैसी, ये बात दार्शनिक की कल्पना में नहीं आ सकती। परंतु प्रेम राज्य की बात ही कुछ विलक्षण है। यहाँ आनंदमय में भी आनंद की चाह है। इसी से भगवान श्याम सुंदर प्रेमियों के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए व्याकुल है। यशोदा मैया का स्तनपान करने के लिए भूखे गोपाल रोते हैं। गोप सखाओं और बछड़ों के खो जाने पर कातर हुए कन्हैया उन्हें वन वन ढूंढते फिरते हैं। ब्रज सुंदरियों का मन हरण करके उन्हें अपने पास बुलाने के लिए गोपी जन वल्लभ उनके नाम ले लेकर मधुर मुरली के तान छेड़ते हैं। प्रेम में यही विलक्षण महामहिम मधुरिमा है। प्रेम भगवान का स्वरूप ही है। प्रेम न हो तो रूखे सूखे भगवान भाव जगत की वस्तु रहे ही नहीं। आनंद स्वरूप यदि आनंद के साथ इस प्रकार आनंद रस का आस्वादन न करें, उनकी आनंद में ही आह्लादनीय शक्ति उन्हें आनंदित करने में प्रवृत्त न हो, तो केवल स्वरूपभूत आनंद बड़ा रूखा रह जाता है, उसमें रस नहीं रहता। इसलिए वे स्वयं ही अपने ही आनंद का अनुभव करने के लिए अपनी ही स्वरूपभूता आनंद रूपा शक्ति को प्रकट करके उसके साथ आनंद रस में लीला करते हैं। यह आनंद बनता नहीं,
पहले नहीं था अब बना, सो बात नहीं है। प्रेम नित्य, आनंद नित्य, दोनों ही भगवत स्वरूप। आनंद की भित्ति प्रेम और प्रेम का विक्षण रूप आनंद। इस प्रेम का कोई निर्माण नहीं करता। जहाँ त्याग होता है वहीं इसका प्राकट उदय हो जाता है। जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, और जहाँ प्रेम वही आनंद। कहीं भी द्वेष से बैर से आनंद का उदय हो तो बताइए, असंभव है। भगवान प्रेमानंद स्वरूप है। अतीव भगवान की प्रेम लीला अनादि काल से अंत काल तक चलती ही रहती है। न इसमें विराम होता है, न कभी कमी ही आती है। इसका स्वभाव ही वर्धनशील है। समस्त जगत के जीव जीवन में भी आंशिक रूप से विभिन्न प्रकार के से प्रेम की लीला चलती है। माता पिता के हृदय का वात्सल्य स्नेह, पति पत्नी का माधुरी, मित्र का पवित्र सख्यत्व, पुत्र की मातृ पितृ भक्ति, गुरु का स्नेह, शिष्य की गुरु भक्ति, इस प्रकार विभिन्न विचित्र धाराओं में प्रेम का ही प्रवाह बह रहा है। यह प्रेम त्याग से ही विकसित होता और फूलता फलता है। जगत में यदि प्रवाह सूख जाए, संतान को माता पिता का वात्सल्य न मिले, पति पत्नी का माधुरी मिट जाए, मित्र बंधुओं के सखा भाव का नाश हो जाए, गुरु शिष्य की स्नेह भक्ति न रहे और माता पिता को पुत्र की विशुद्ध श्रद्धा सेवा न मिले, तो जगत भयानक हो जाए, कदाचित ध्वंस हो जाए, या फिर जगत क्रूर राक्षसों की तांडव स्थली बन जाए। अतएव त्यागमय प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। यही प्रेम जब सब जगत से सिमट कर एक भगवान में लग जाता है, तब वह परम दिव्य हो जाता है। इसी एकांत विशुद्ध प्रेम की निर्मल मूर्ति है गोपी, और उस प्रेम का पूंजीभूत रूप ही है श्याम सुंदर। पूंजीभूतम प्रेम गोपांगना। जहाँ स्वसुख की वांछा है, वस्तु अपने लिए है, वही वह भोग है। वही वस्तु भगवान के समर्पित हो गई तो सेवा है। स्वसुख वांछा को लेकर हम जो कुछ भी करते हैं सब भोग है। उसी काम को भगवत समर्पित करके हम सुखी होते हैं तो वह प्रेम है। घर की कोई चीज, मन की कोई चीज, जीवन की कोई चीज, जब तक स्वसुख के लिए है तब तक भोग है, और जब तक भोग है, जब उनका इंद्रियों के साथ भोग संबंध है, तब तक उनसे दुख उत्पन्न होता ही रहेगा। भगवान ने स्वयं कहा है, ये संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेश्वरमते बुधा। जो भी संस्पर्शज भोग हैं, वे सभी दुख की उत्पत्ति के क्षेत्र हैं और आदि अंत वाले हैं। इसलिए भैया अर्जुन, बुद्धिमान लोग उनमें प्रीति ही रखते। पर यही सब भोग जब स्वसुख की इच्छा का परित्याग करके परसुखार्थ भगवत अर्पित हो जाते हैं, तो इन्हीं को भगवान की सेवा कहा जाता है। यही प्रेम है गोपी प्रेम। इसी से स्वसुख वांछा से सर्वथा रहित परम उज्जवल है। यहाँ पूर्ण समर्पण हो चुकने पर भी नित्य समर्पण की लीला चलती रहती है। प्रतिक्षण समर्पण होता रहता है। यू समर्पण होते होते समर्पण क्रिया भी विस्मित होने लगती है, और फिर ग्रहण भी समर्पण रूप त्याग रूप बन जाता है, क्योंकि उसमें भी प्रीतम के सुख की निर्मल वांछा रहती है। पर इस ग्रहण में प्रेम की पहचान बहुत कठिन है। हम हलवा खा रहे हैं, हमें उसमें मिठास का स्वाद आ रहा है तथा हमें सुख मिल रहा है। ये हलवा खाना, उसमें मिठास तथा सुख की अनुभूति स्वसुख के लिए हो रही है या प्रेमास्पद सुख के लिए, इसका परीक्षण बहुत कठिन है। इसका यथार्थ स्वरूप वही जानते हैं जो प्रेम के स्तर तक पहुंच गए हैं। प्रेमी को स्वाद आ रहा है, तो स्वाद के सुख का ग्रहण वो तभी करता है जबकि उसके प्राणाधन प्रेमास्पद श्याम सुंदर को सुख होता हो। स्वाद प्रेमी को आता है, परंतु यदि प्रेमास्पद को उसमें सुख नहीं है तो स्वाद कभी प्रेमी को इष्ट नहीं है। हलवा का मिठास लेते रहते, यदि ये मालूम हो जाए कि प्रेमास्पद चाहते थे कि तुम मीठा हलवा न खाकर कड़वा नीम खाते, तो तुरंत हलवा उसके लिए कड़वा हो जाएगा, बुरी चीज बन जाएगा और वह नीम खाने लगेगा। यही पता लगता है कि ग्रहण स्वसुख की वांछा से था या प्रेमास्पद के सुख के लिए। यही बात कपड़े पहनने, सोने, जागने, जगत के सारे व्यवहार करने में है। प्रत्येक क्रिया में प्रेमास्पद का सुख ही एकमात्र इष्ट होना चाहिए। प्रेमी को यह पता लग जाए कि प्रेमास्पद हमारे मरण में प्रसन्न है, तो प्रेमी के लिए एक क्षण भी जीवन धारण करना परम दुख रूप हो जाएगा।
यूं प्रेमास्पद के सुख का जीवन जिनका जीवन बन जाता है उनको प्रेमास्पद प्रभु के मन की बात खोजनी नहीं पड़ती, वह उसके सामने स्वयं प्रकट रहती है। प्रेमास्पद का मन उस प्रेमी के मन में आविराजता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से श्री गोप सुंदरियों के संबंध में कहा है, मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मदोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वदः। मेरी महिमा, मेरी सेवा का स्वरूप, मेरी श्रद्धा का स्वरूप तथा मेरे मन की बात तत्व से केवल गोपिका ही जानती हैं, ये अर्जुन दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए गोपी को ये पता लगाना नहीं पड़ता कि भगवान किस बात में प्रसन्न होंगे, उनके अंदर भगवान का मन ही काम करता है। भगवान ने सुन श्री उद्धव जी से कहा, ता मन मनस्का मत प्राण मदर्थे तिक्देहिका, वे मेरे मन वाली हैं, मेरे प्राण वाली हैं, मेरे लिए अपने दैहिक वस्तुओं तथा कार्यों का सर्वथा वे परित्याग कर चुकी हैं। श्री कृष्ण ही गोपियों के मन हैं, श्री कृष्ण ही गोपियों के प्राण हैं, उनके सारे संकल्प और सारे कार्य श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ या कृष्ण सुखार्थ ही होते हैं। प्रेम की बड़ी विचित्र गति होती है, वह महागंभीर है और महाचंचल है। प्रेमी में प्रेम का अगाध समुद्र प्रशांत भाव से स्थिर हो जाता है, परंतु जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर महासमुद्र नाचने लगता है, उसी प्रकार प्रेमास्पद भगवान के प्रसन्न श्रीमुख को देखकर उनके सुखार्थ उस प्रेम महासागर में लहरें तरंगे उठने लगती हैं। ये तरंगे ही प्रेम लीला है। गोपियों के जीवन में इन प्रेम तरंगों के अतिरिक्त अन्य कोई भी क्रिया नहीं है। प्रेम की ये उच्छ्वसित ऊर्मियां हैं जो नाच नाच कर प्रेम सुधा का अधिकाधिक मधुर रसास्वादन कराया करती है। ये तरंगे कभी अत्यंत उत्ताल हो जाती हैं, कभी मृदु बन जाती हैं, कभी ऊपर उछलती हैं, कभी मंद मंद उठती बैठती हैं, कभी सीधी होती हैं, कभी दाएं बाएं हो जाती हैं। प्रेम में दो तरह के भाव होते हैं, दक्षिण और वाम। दक्षिण भाव से भी और वाम भाव से भी परस्पर प्रेम लीलाएं चलती रहती है। जहाँ प्रेमानंदमयी श्याधा रानी या गोपांगनाओं का वाम भाव होता है, वहाँ प्रीतम श्री कृष्ण श्याम सुंदर उन्हें मनाया करते हैं। जहाँ प्रेम धन श्री श्याम सुंदर का वाम भाव होता है, वहाँ श्री राधा रानी या श्री गोपांगनाएं उनको मनाया करती है। मधुर मनोहर प्रेम समुद्र के विरह तट पर कभी विप्रलम्भ रस का आस्वादन होता है, तो कभी मिलन तट पर संभोग रस का आस्वादन होता है, फिर कभी मिलन में ही विरह की स्फूर्ति हो जाया करती है। प्रियसन्निकर्षे भी प्रेमोत्कर्ष स्वभावतः या विश्लेषधियार्थिस्तम प्रेम वैचित्यमुच्यते, प्रेम की उत्कर्षता के कारण प्रीतम के समीप रहने पर भी उनके न रहने के निश्चय से होने वाली पीड़ा का अनुभव होना प्रेम वैचित्य कहलाता है। इस प्रकार प्रेम सागर में अनंत मधुराति मधुर तरंगे उठा करती है। इनका वर्णन कौन करे, जो तट पर खड़ा है वह तो तरंगों के भीतर की स्थिति जान नहीं सकता, वो जो तरंगों में मिल गया वह तरंग ही बन जाता है। इसी से प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम। कभी कभी ऐसा होता है प्रेमी और प्रेमास्पद अपने आप को भूलकर एक दूसरे बन जाते। नटवर रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर अपने को राधा मानकर हा कृष्ण हा श्याम सुंदर हा प्राण बल्लभ पुकारने लगते हैं, और आशेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी श्री राधा रानी श्री कृष्ण के आवेश में हा राधे हा प्राणेश्वरी प्राणादि के हा मन मोहिनी पुकारा करती है। ये सभी प्रेम समुद्र की पवित्रतम मधुर मधुर तरंगे हैं। ये श्री राधा माधव का प्रेम, प्रेम विहार, प्रेम लीला नित्य है तथा नित्य वर्धनशील है। इसी से उनका अप्रतिम आनंद भी नित्य और प्रतिक्षण वर्धनशील है। किसी किसी युग में कोई ऐसे प्रेमी संत होते हैं जो इस प्रेम लीला का दर्शन करना चाहते हैं, तब उनकी प्रीति से प्रेरित होकर भगवान अपने दिव्य धाम तथा प्रेमी परिकरों सखाओं सखियों को लेकर दिव्य धाम के दिव्य चिन्मय पशु पक्षियों और वृक्षलताओं को लेकर इस मर्त भूमि पर अवतरित होते हैं। यही भगवान श्री राघवेंद्र की अवध लीला है और ऋषि विजेंद्र नंदन की भज लीला है। इस प्रेम राज्य में उन्हीं का प्रवेश है जो अपने को खोकर स्वसुख की समस्त वांछाओं को मिटाकर भगवान के ही हो जाते हैं। इस प्रकार त्याग की पराकाष्ठा से उदित दिव्य प्रेम को
वैष्णवों ने पंचम पुरुषार्थ बताया है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ प्रसिद्ध है, प्रेम पंचम पुरुषार्थ है जहाँ मोक्ष की कामना का भी परित्याग हो जाता है। प्रेम सेवा को छोड़कर प्रेमी भक्त देने पर भी मुक्ति का स्वीकार नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः, यही त्याग की पराकाष्ठा है। इसमें अहम की चिंता या अहम की मंगल कामना का सर्वथा अभाव है। जहाँ मोक्ष की कामना है वहाँ बंधन की अपेक्षा है। बंधन न हो तो मोक्ष छुटकारा किस से, और बंधन किसी को होता है? जो बंधा है वही छुटकारा चाहता है। अतः बंधन की अनुभूति और बंधन से मुक्त होने की इच्छा, इसी का नाम मुमुक्षा है। और यह जिसमें है उसी को मुमुक्षु कहते हैं। छुटकारे की इच्छा में बंधन की अनुभूति है, जिसको इस बंधन की अनुभूति है वही बंधन से मुक्त होने की इच्छा करता है। हम चाहे उसे मुमुक्षु कहें, चाहे जिज्ञासु या साधक, कुछ भी कहें, उसमें अहम है और वह अहम का मंगल चाहता है। पर प्रेम राज्य में तो अहम की चिंता ही नहीं है। स्व की सर्वथा विस्मृति है। प्रेमास्पद का सुख ही जीवन है। इसी से यह पंचम पुरुषार्थ है।